टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्लोथ पैक्स को यूज़ करके दो एक्टिविटी शेयर की थी जो आप अपने 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगी कि एज अ मॉन्टेसरी पेरेंट आप अपने 2 और 3 साल के बच्चे को फर्स्ट टाइम क्लोथ पैक्स की एक्टिविटी कैसे इंट्रोड्यूस करें। सो क्लोथ पैक जो है ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी फाइन मोटर टूल है आप कह सकते हैं। इससे बच्चे अपनी जो ट्राइपोड ग्रिप होती है, आगे चल के फिंगर ग्रिप, जिससे बच्चे पेंसिल को यूज़ करना सीखते हैं राइटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, सो उनकी जो फिंगर स्ट्रेंथ है पर्टिकुलरली उसके लिए ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.5 साल के बाद आप ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करें एंड अप टू 5 ईयर्स अगर बच्चे ने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की है तो उनकी जो फिंगर स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी होगी एंड जल्दी से वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। यू नो ट्रेसिंग वगैरह की जो एक्टिविटीज़ है उसमें आप उनको जल्दी से जल्दी मिला पाओगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट फाइन मोटर एक्टिविटी इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लासिक मॉन्टेसरी प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटी, बिकॉज जो रियल लाइफ में हम पैक्स को यूज़ करते हैं इसी तरह से छोटे बच्चे जो है वो भी आगे चल के क्लोथ पैक्स को यूज़ करते हैं अपने कपड़ों को हैंग करने के लिए। उसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे बट फिलहाल मैं आपको मेरी बेटी के साथ इसका डेमो देने वाली हूँ कि कैसे एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करें जिससे बच्चा सिटिंग टॉलरेंस के साथ बैठ के आपको देखेगा, समझेगा और एक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए एक्टिविटी को परफॉर्म करना और उसे कंप्लीट करना सीखेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल 4 स्टेप्स में आपको दिखाने वाली हूँ। उसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जिस जो भी मटेरियल आप उनको सिखाना चाहते हो सबसे पहले आपको उनको दे देना है। जैसे कि ये मैंने खुद बनाया है तो इस टॉय को मैं मेरी बेटी को दे दूंगी, राइट। सो उससे क्या पता चलता है, मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी रेडीनेस को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बच्चा अपनी एक अलग पेस के साथ डेवलप होता है। ज़रूरी नहीं है कि 2 साल का जो बच्चा है अगर इसमें इंटरेस्ट ले रहा है तो लाइक उनकी एज ग्रुप में हर बच्चे को इसमें इंटरेस्ट रहेगा। कुछ बच्चे होते हैं वो 3 साल पे इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो एज अ पेरेंट जब आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपके बच्चे की रेडीनेस है, उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो है मैं मेरी बेटी को दे देती हूँ एंड मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करती हूँ। क्या वो बहुत ट्राई कर रही है उसको सीखने में, अगर उसको मतलब कि बहुत गिव अप नहीं कर रहे इजीली, उनको बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, देन इट इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस दिस एक्टिविटी। सो इसमें भी यू नो ये जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ये आप हर किस्म की एक्टिविटी में ट्राई करना जिससे आपको पता चलेगा। सो दिस इज़ अवर 3rd पॉइंट एंड दैट इज़ टू शो एन एक्टिविटी टू योर चाइल्ड। इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, यहाँ पे चाइल्ड साइज टेबल है, चेयर है, वर्क मैट है और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में मैं एक्टिविटी को शो कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि छोटे बच्चों को सिटिंग टॉलरेंस जो है हमारे उनसे जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है इसके बारे में उनको समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो फिर उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। छोटे जो बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल के वो एक जगह पे बैठ नहीं सकते और लाइक उनको इधर उधर उनका मन भागे जा रहा है। सो ऐसे एनवायरनमेंट में ही सिखाइए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो और ये एक्टिविटी को आपको स्लोली स्लोली एक पॉज के साथ दिखाना है और उसके साथ ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर सिर्फ टेक्निक पर फोकस किया है एंड शी इज़ सो क्यूरियस। बात इसलिए नहीं करनी है बिकॉज इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए वो ऑलवेज आप जैसे बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ पे उनको सीखना होता है। सो मैं नहीं चाहती कि उसका जो ध्यान है वो लाइक लैंग्वेज पे चला जाए। मैं चाहती हूँ कि उसका 100% फोकस उसी चीज़ में रहे जो मैं उसे सिखाना चाहती हूँ। तो ये 2 पॉइंट्स है, आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, कोई ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देना है और एक अच्छे से एनवायरनमेंट में उनको ट्राई करने देना है धीरे धीरे। Yes, you want to try this? Yes. Okay, now you can try it. Yes, you have to hold it in your hand and try to remove that, okay? Okay, I will hold it for you.
our last point is to teach respectfully and without force. So I always do this. मैं कभी भी उसे फोर्स नहीं करती कि देखिए अभी मैंने सिखा दिया है तो आपको ट्राई करना ही है. सो आई ऑलवेज आस्क हर, डू यू वांट टू ट्राई दिस. अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो कहेगी कि येस, नहीं है तो फिर उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा या फिर वो वहाँ से उठ के चली जाएगी. सो दिस इज़ हाउ यू नो यू रेज योर चाइल्ड रिस्पेक्टफुली. जितना आप उनको रिस्पेक्टफुली रेज करोगे उतना ही बच्चा आपको रिस्पेक्ट देगा और एक कोऑर्डिनेशन जो है ना दोनों का वो बना रहेगा. And last thing is to provide assistance, जो developmentally appropriate होता है वही आपको आपके बच्चे से expect करना है. 2 और 3 साल के जो बच्चे हैं उनको bilateral coordination धीरे धीरे आता है और वो धीरे धीरे सीखते हैं. bilateral coordination का मतलब क्या है, एक हाथ में वो activity पकड़ेंगे और दूसरे हाथ को use करके उसे complete करेंगे. तो ये यहाँ पे मैंने उसको एक assist किया है और मैंने ये जो board है उसके लिए hold किया. हमारा 4th and last point है प्रैक्टिस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे कंटिन्यू करें. आपने नोटिस किया होगा कि पहले 2-3 जो पैग्स थे उसमें उसे थोड़ा स्ट्रगल रहा, उसके बाद उसने फटाफट से सभी पैग्स को लगा दिया और रिमूव भी कर दिया. सो इसी तरह से अब आपको क्या करना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैंने उसे ये उसे इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद करीब 10 दिन तक मैंने ये रखा था. और इस तरह से मेरे पास बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ है. विजुअल डिस्क्रिमिनेशन वाली जो एक्टिविटी है वो मैंने रखी थी और मैंने ऑब्जर्व किया कि अगले दिन सबसे पहले उसने वही एक्टिविटी को चुना और बार बार उसे प्रैक्टिस किया. और इसी से यू नो पता चलता है कि आपकी एक इनिशिएशन, लाइक आपने जस्ट एक टॉय बना दिया, उसने डेवलपमेंटली आपके बच्चे को कितना हेल्प किया. सो नेक्स्ट जो आपका गोल रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपको लगता है कि बच्चा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को मास्टर कर रहा है इस फेज में, तो आपको उनको चेंज एंड वैरायटीज़ देनी है अलग अलग एक्टिविटीज़ के रूप में. जैसे कि अगर आपका बच्चा जिग्सो पजल्स में अभी बहुत इंटरेस्टेड है तो उनको चेंज दीजिए, वैरायटी दीजिए और उनकी जो ये फेज़ है उसको यूज़ करिए जिससे वो खुद को हेल्प कर पाए. राइट, सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन अ मॉन्टेसरी वे. आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा. इफ़ येस देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम.